खबरें जो सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं हम। कांठल टुडे, हम है आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं इमरान मंसूरी और आप देख रहे हैं जिले का एकमात्र सबसे बड़ा न्यूज चैनल कांठल टुडे। आइए खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला जेल से आई अच्छी खबर, कुल 122 संक्रमितों में से 114 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। मालपुर और रबड़ी के चक्कर में लोग भूले कोरोना को, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। और छोटी सादड़ी पत्रकार संघ ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम, पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में जल्द कठोर कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। प्रतापगढ़ धरियावद रोड पर हनुमान घाटी पर 108 एम्बुलेंस और कैंपर की भिड़ंत हो गई। 108 दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को लेने देवाक माता जा रही थी कि हनुमान घाटी पर सामने से आती कैंपर से टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि जिसमें लगभग 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से 2 गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर किया गया। रविवार शाम दुर्घटना में घायलों को लेने जा रही 108 एम्बुलेंस की एक कैंपर से भिड़ंत हो गई, जिसमें एम्बुलेंस और कैंपर चालक सहित 8 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में कैंपर में सवार 2 महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। यह लोग देवक माता से दर्शन कर अपने गांव जा रहे थे। 108 एम्बुलेंस के पायलट मनोहर लाल धोबी ने बताया कि उसे कॉल के जरिए सूचना मिली कि देवक माता में कोई दुर्घटना हो गई है, उसमें कई लोग घायल हैं। इस पर वह और एमईटी विकास मीणा एम्बुलेंस लेकर देवक माता की ओर जा रहे थे। रास्ते में हनुमान घाटी के सामने से चढ़ाई करते हुए एक कैंपर तेजी से आकर 108 एम्बुलेंस से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी, पायलट मनोहर लाल और एमईटी विकास मीणा दोनों बेहोश हो गए। कैंपर चालक सहित हादसे में आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। कैंपर में सवार 2 महिलाएं और बच्चे भी हादसे में घायल हुए हैं। सभी को निजी वाहनों से प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ सभी का उपचार चल रहा है। कैंपर में सवार लोग देवक माता से दर्शन कर अपने गाँव चरी टापरी लौट रहे थे। मेरे पास 4:15 बजे के आसपास देवक माता से कॉल आया कि जयपुर से कॉल आया, देवक माता में एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं गाड़ी लेके जा रहा था तो दरियाव रोड पे देवक माता मंदिर से कोई आते वक्त एक्सीडेंट हो गया होगा। तो मैं जा रहा था एक्सीडेंट किया लेने, खाटा कर रहा था मैं बजरंगली हनुमान जी घाटी, सामने से कैंपर वाला आया और सीधा आते ही गाड़ी में घुसा। आमने सामने उसने भिड़ंत की, बहुत स्पीड में था और मैं घायल हो गया। तो मुझे यहाँ आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ EMT विकास कुमार मीणा था और हम दोनों ही कैसे लेने जा रहे थे एक्सीडेंट जवाब माता। जिले के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व पत्रकार के साथ हुई मारपीट एवं हिंसा को लेकर अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर छोटी सादड़ी पत्रकार संघ ने ज्ञापन सौंप अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। शुक्रवार रात्रि को गोमाना दरवाजा स्थित दुकान पर खबरें प्रेषित करने का कार्य कर रहे पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला व दुकान में तोड़फोड़ करते हुए उठाकर ले जाने के संबंध में 10 दिन से ऊपर बीतने के बाद भी पुलिस द्वारा हमलावर के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होने से छोटी साड़ी पत्रकार संघ में रोष व्याप्त हो गया है। इसके चलते रविवार को एक बैठक आयोजित कर कार्रवाई को लेकर पुलिस ने आला अधिकारियों को अवगत कराते हुए अनशन धरना प्रदर्शन करने की सहमति बनी, जिसको लेकर सोमवार को सभी पत्रकार 11 बजे डिप्टी ऑफिस परबत सिंह जेतावत से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जांच अधिकारी बदलने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगले 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो छोटी साड़ी पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर इस दौरान या भविष्य में क्षेत्र के किसी भी पत्रकार के ऊपर अगर कोई घटना कारित होती है तो उसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। सावन माह के तीसरे सोमवार को नगर में हरियाली अमावस्य का पर्व मनाया गया। बाजारों में मालपुआ एवं रबड़ी की खासी भीड़ रही। वहीं बाजारों में उमड़ी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की धज्जियां उड़ा दी। प्रतापगढ़ में सोमवार को हरियाली अमावस्या का त्यौहार बड़ी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। मिठाई की दुकानों पर रबड़ी और मालपुए की बिक्री जोरों पर रही। बाजारों में बड़ी संख्या में खरीदारों की भीड़ नजर आई।
शहर के बाजारों में जिस तरह से ग्रामीणों की भीड़ दिखाई दे रही है, उससे कहीं से कहीं तक कोरोना का खौफ नजर नहीं आया। हालांकि धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। शहर के बाजारों में हरेली अमावस्या के मौके पर कहीं भी कोरोना का असर नजर नहीं आया। बाजार में रबड़ी और मालपुए खरीदने के लिए मिठाई की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से भी लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुंचे। इस दौरान किसी को भी कोरोना का खौफ नहीं था। अधिकांश लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों की पालना करते हुए जिले में लगने वाले हरेली अमावस्या के मेले पहले ही निरस्त हो चुके थे। धार्मिक स्थलों पर भी सन्नाटा दिखाई दिया, लेकिन बाजारों में उमड़ी भीड़ कोरोना को लेकर चिंता का विषय बनी है। जिला जेल में हुए कोरोना ब्लास्ट के बाद जिला जेल से राहत भरी खबर आई है। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक जेल में हुए कोरोना ब्लास्ट में 122 संक्रमित मरीज सामने आए थे, जिसके बाद वर्तमान में 114 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रतापगढ़ जिले में बढ़ते कोरोना के कहर के बीच जिला जेल से राहत की खबर आई है। यहां पर 122 कोरोना संक्रमित कैदियों में से 114 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। अब केवल 8 कैदी ही एक्टिव श्रेणी में है। जेल अधीक्षक शिवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतापगढ़ की जिला जेल में बीती 1 जुलाई से 5 जुलाई तक लगातार कोरोना संक्रमित मिले थे, जिनके उपचार के लिए समुचित प्रबंध किए गए थे। 5 दिनों में यहां पर 122 कैदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इस दौरान जिला जेल में ही आइसोलेशन वार्ड तैयार कर संक्रमित कैदियों का उपचार शुरू किया गया। जो कैदी स्वस्थ थे, उनमें से कुछ कैदियों को छोटी सादड़ी सब जेल में स्थानांतरित किया गया, ताकि अन्य कैदियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़े। शर्मा ने बताया कि वर्तमान में जिला जेल में आइसोलेशन वार्ड में 7 और जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड में 1 कैदी का उपचार चल रहा है। जिला जेल से 26 कोरोना संक्रमित कैदियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 18 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब जिला जेल में संबंधित एक्टिव केस मात्र 8 रह गए हैं। शर्मा ने बताया कि जेल में कोविड से बचाव के पूरे उपाय किए जा रहे हैं, साथ ही इस तरह की स्थिति दोबारा निर्मित नहीं हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। IFWJ पत्रकार संगठन की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। रविवार को एक बैठक का आयोजन दीपेश्वर महादेव प्रांगण में गीता भवन में किया, जहां पर आगामी रूपरेखा तैयार की गई। IFWJ पत्रकार संगठन की एक बैठक का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया गया। IFWJ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर के निर्देशन पर संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं जिले के वरिष्ठ पत्रकार राकेश सोनी के मार्गदर्शन में IFWJ के जिला अध्यक्ष अमित पुरोहित के सानिध्य में बैठक का आयोजन नगर के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर स्थित गीता भवन पर किया गया। तेजकरण राठौड़ अध्यक्षता एवं विपिन जोशी के सानिध्य में बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। बैठक के दौरान सर्वप्रथम संगठन के आगामी आयोजनों, कार्यक्रमों एवं नवीन सदस्यता सहित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संपादित करने हेतु चयन समिति का गठन किया गया। संजय जैन, राकेश सोनी, यूनुस अहमद मंसूरी, विपिन जोशी, विवेक उपाध्याय, आशा टांक एवं दिलीप सेन को चयन समिति का दायित्व सौंपा गया। बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों ने संगठन की जिला कार्यकारिणी के विस्तार सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए संगठन की मजबूती के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। सभी सदस्यों ने एक राय से जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिला उपाध्यक्ष पद पर तेजकरण राठौड़, जिला सचिव यूनुस अहमद मंसूरी एवं आशा डाक, जिला कोषाध्यक्ष विवेक उपाध्याय, जिला महासचिव दिलीप सेन, सोशल मीडिया प्रभारी इमरान मंसूरी को बनाया गया। साथ ही संगठन की बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला जेल से आई अच्छी खबर, कुल 122 संक्रमितों में से 114 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। मालपुए और रबड़ी के चक्कर में लोग भूले कोरोना को, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। और छोटी सादड़ी पत्रकार संघ ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम, पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में जल्द कठोर कार्रवाई की मांग। बहरहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।